नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओ किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ देसी स्टाइल के भुने टमाटर की चटपटी चटाकेदार चटनी, जो किसी भी खाने का स्वाद बढ़ा देती है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना प्यार और सहयोग लाइक और शेयर के द्वारा वीडियो को दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टमाटर की चटनी की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो टमाटर और कुछ लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च ले ली है। और टमाटर को मैंने इस तरीके से ना ऊपर वाली हिस्से पे चीरा लगा लिया है, तो हमें इस तरीके से चीरा लगा लेना है, क्योंकि आज हम टमाटर की चटनी जो है ना ट्रेडिशनल वे में तैयार करने वाले हैं, जैसे गाँव में हम भून करके तैयार करते हैं ना उसी तरीके से। इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर को गैस पे एक जाली रख कर इस तरीके से टमाटर, मिर्च और लहसुन की कलियों को रख दिया है। आप यहाँ पे खड़े लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करिएगा, मेरे पास पूरी गांठ नहीं थी लहसुन की, तो मैंने इस तरीके से लिया है। तो ये थोड़ा सा सेकने में, भूनने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके इनको भून लिया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे ही हमारे लहसुन और मिर्च भून गए हैं, उनको हटा लिया है। अब हम टमाटर को अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब इस तरीके से हमारे टमाटर पूरी तरीके से पक जाएंगे, आप देख सकते हो, तो इनको हमें हटा लेना है और इन्हें हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। तब जब ये हल्के फुल्के ठंडे हो जाएंगे तो हम इनके स्किन जो है ये निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें इन्हें हटा लेना है और क्लीन कर लेना है। तो जो हम ये ऊपर के जो स्किन होते हैं टमाटर के, उन्हें इस तरीके से हम निकाल लेंगे और आसानी से हट जाते हैं ये सब। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये सारे हटा लिया है। और इसी तरीके से हम लहसुन की कलियों के भी छिलके हटा लेंगे। यहाँ पे मैंने छिलके के साथ ही लहसुन को भुना था, तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। भुने हुए लहसुन का स्वाद टमाटर की चटनी में बहुत बढ़िया आता है। आप चाहे तो कच्चे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भुना हुआ जो बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लहसुन और मिर्च को भी अच्छी तरह से भून लिया था। आज की मैं ये चटनी जो है वो चॉपर में बनाने वाली हूँ। आप इसे खलबट्टे पे या सिलबट्टे पे भी बना सकते हैं। कई लोग इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस लेते हैं, लेकिन इसका जो स्वाद आता है ना वो इस तरीके का नहीं आता जो मिक्सर में पीसने के लिए। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चॉपर में सारे टमाटर जो है इनको इस तरीके से रफली चॉप करके डाल लिया है। और देखिए हमारा टमाटर जो कितना बढ़िया तरीके से भुना हुआ है और काफ़ी जूसी टमाटर है। और ऊपर जो ये हमारे जो डंठल वाला एरिया होता है उस तरह, उसको हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। अब ऐड कर लेंगे भुने हुए लहसुन और हरी मिर्च, इसी तरीके से हम साथ में ऐड कर लेंगे और इनको हम हल्का सा पीस लेते हैं। तो इस तरीके से हम जब चॉपर में से चलाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हो जाते हैं, दो चार बार में ही ये। देखिए ये अभी होना बाकी है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इन्हें चला के रख लिया है। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कुछ चीज़ें, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्याज बारीक कट करके उनको ऐड कर लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे फ्रेश धनिया ऐड कर लिया है। इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है चटनी में, बड़ी टेस्टी चटनी बन के हमारी तैयार होती है। तो साथ में ही यहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया है। अब इन्हें हमें अच्छी तरीके से थोड़े देर के लिए चला लेंगे। तो इस तरीके से देखिए कितने बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से चॉपर में ही ग्राइंड हो गए हैं। इनको मैं अब निकाल लेती हूँ एक बाउल में। अब फिर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा कच्चा यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी चटनी जो है बन करके तैयार है। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार की ये चटनी बनती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे रोटी के साथ भी खाएंगे ना तो भी अच्छी लगती है। तो देखिए ये हमारी चटनी देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है, मज़ेदार सी, खाने में तो मज़ेदार है ही, चटकदार है, एकदम मस्त चटाकेदार। तो देखिए कितनी बढ़िया चटनी हमारी बनी है। चटनी आप पराठे के साथ, लिट्टी के साथ, सत्तू के पराठे के साथ बहुत बढ़िया जाते हैं। फ्रेंड्स जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।